देखिए 2002 में जब यहाँ पर श्री राम महायज्ञ हुआ 100 दिन का, उस दौरान जो है परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को भगवान राम जो है स्वप्न में दिखाई दिए कि हमारा मंदिर अभी अधूरा बन नहीं रहा है, हम त्रिपाल में कैद हैं, तो बनना चाहिए मंदिर और उसके लिए तुम जो है शिलाओं को जो है प्रशासन के हाथों में दो। तो उन्होंने कहा, वो आकर यहाँ पर बैठ गए कार्यशाला के अंदर और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है जिस प्रकार से लोग अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, कोई तुला दान करता है, कोई जो है स्वर्ण दान करता है, कोई गौ दान करता है, तो हम भगवान के भक्त हैं, हम उनकी सेवा में सदैव जो है समर्पित रहते हैं, तो हम जो है इन पत्थरों को दान करना चाहते हैं। इस निमित्त जो है उन्होंने 2002 में शिलाओं का दान किया और ये शिला दान जो है उस समय के PMO से भेजे गए शत्रुघ्न सिंह जी जो सचिव थे उन्होंने अपने हाथों में लिया और इन शिलाओं को देकर फिर उसके बाद फिर उन्होंने ट्रेजरी में इसको रखा। देखिए स्वाभाविक है कि जो दान में दिया गया सामग्री है उसको भक्त तो चाहेंगे ही कि वह गर्भगृह में लगे और इसी निमित्त जो है गर्भगृह में जो है उन पत्थरों को लगना भी चाहिए और वो चूँकि पूजित हैं, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमारे संरक्षक रहे अशोक सिंघल जी और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जो इस आंदोलन के अगुवा रहे, प्रेरणा स्रोत रहे, उनके द्वारा पूजित है, तो हम सब भी चाहेंगे कि हाँ इन पूजित शिला को गर्भगृह में पहुंचाने का क्रम प्रारंभ होना चाहिए और मुझे आशा है कि शासन ने अपने हाथों में ले रखा है तो उसको जरूर भक्तों को समर्पित करेंगे। जब मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा यानी ट्रस्ट बन जाएगा उसके बाद जो है इन शिलाओं को मांगने का भी कार्य किया जाएगा और स्वाभाविक है कि ट्रस्ट बनने के बाद उन शिलाओं को प्रशासन सौंप देगा। बहुत अच्छी बात है जो 15 मार्च 2002 को दिगंबर अखाड़ा में परमहंस जी ने पूर्णतया विधि विधान से हवन करके और उस पत्थर को पूजा किया। पूजा करने के बाद में ये चाहते थे कि हम गर्भगृह में ले जा करके स्थापित कर दें पत्थर को, लेकिन प्रतिबंध होने के कारण से वहाँ तो नहीं जा सका, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के PA ने आकर के उसको ग्रहण किया और ले जाने के बाद में फिर सरकार अपने नियंत्रण में लिया और अभी भी जो सरकार के कोषागार में वह भी रखा हुआ है। निश्चित है कि वह बहुत महत्वपूर्ण पत्थर है। एक तो हमारे स्वर्गीय जो सलाका पुरुष के रूप में कहा जाता था परमहंस जी ने वह उसकी पूजा किया, पूजा विधि विधान से किया और सभी लोग यहाँ के अयोध्या के सम्माननीय संत थे और अधिकारीगण थे और जिस रूप से वो पूजा हुई अद्वितीय रहा पूजा और वह ऐसी पूजित जो पत्थर है उसको अति आवश्यक है कि उसको सबसे प्रथम और रामलला के उस मंदिर के गर्भगृह में लगाना चाहिए और इसको प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास किया जाए उसको वापस ले लेना चाहिए और इसको लगाया जाए, क्योंकि जिस रूप में और जिस महत्व का वो पत्थर है वह अपने आप में अद्वितीय है और परमहंस जी के प्रकार से एक उनकी स्मृति के रूप में वो होगा कि हमारे जो न्यास के अध्यक्ष परमहंस जी थे उन्होंने जिस प्रकार पूजा करके इसको स्थापित किया और वो चाहते थे जहाँ स्थापित करना वहाँ नहीं हुआ, लेकिन सरकार के कोषागार में है तो उसको वापस करके और इसको मंदिर बनता है तो उसको ऐसे जगह रखा जाए। 2002 में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष श्री महाराज जी परमहंस जी जो हमारे गुरु हैं उन्होंने शिला रखा था ट्रेजरी में। अब राम मंदिर बनने जा रहा है और वह आस्था का विषय है और उसको निकाल करके राम जन्मभूमि में लगना चाहिए क्योंकि वह आस्था का विषय है और राम जन्मभूमि महाराज जी के प्रयास से ही, महाराज जी के आंदोलन से ही वो यहाँ तक आंदोलन पहुँचा है, इसलिए उसे ट्रेजरी को निकाल करके पत्थर को निकाल करके लगाया जाए। संघ और विश्व हिंदू परिषद एक हिंदू संगठन है, बाकी और कोई संगठन है नहीं, तो विश्व हिंदू परिषद और संघ जो भी करता है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उन्नति के लिए, रक्षा के लिए, उसी प्रकार इसलिए वो लगे हुए हैं कि वो निकल जाए, लग जाए, तो एक
हमारी और पूरे हिंदू समाज का आस्था हो जाए।